में सर्वोच्च प्राथमिकता समस्त अधिकारियों की, शासन की, लोगों की, आमजन की यही है कि कोरोना से अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित रखें, और जिस तरीके से इंदौर में सभी अधिकारी और शासन समस्त विभाग प्रयास कर रहे हैं, आम जनता के कई लोग आपस में प्रयास कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। हम भी अपना योगदान देंगे और आशा करते हैं कोरोना को सबसे पहले इसको काबू में पाकर यहाँ का नॉर्मल जीवन शुरू हो, यही सभी का प्रयास है। चैलेंजेस तो पुलिस में निरंतर आते रहते हैं, पुलिस हमेशा तत्पर रहती है, पुलिस की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है, हमारे समस्त अधिकारी जवान इस हेतु निरंतर हमेशा से तैयार रहते हैं, यही पुलिस की ट्रेनिंग होती है। तो कोई भी समस्या है, वर्तमान में नए नए चैलेंजेस हैं, जैसे आप कह रहे हैं चुनाव है, कोविड है, इसके लिए हमारे समस्त जवान यहाँ पर अपना निरंतर कार्य करते रहेंगे और जो जनाकांक्षाएं हैं, जन की जनता की जो अपेक्षाएं हैं पुलिस से, उसको पूरे करने का प्रयास किया जाएगा। आज मैंने चार्ज रिलिंक्विश किया है और मैं अपने अधीनस्थ जितने भी मेरे अधिकारी कर्मचारी रहे उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने कठिन चुनौती वाले समय में, कोरोना के काल में, कंधे से कंधा मिलाकर वो हमारे साथ रहे। अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और बेहतरीन उपलब्धियां हासिल करी, जिसकी वजह से आज कोई भी ऐसी कोई वारदात नहीं है जो कि पुलिस की अनसुलझी रही हो, कोई भी ऐसा कोई बड़ा अपराधी नहीं है जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा हो, और ये सब पुलिस ने कोरोना में लगातार अथक परिश्रम के बाद भी बिना कोई रेस्ट लिए ये किया है। तो इसको मैं एक बहुत बड़ी अपने स्टाफ की उपलब्धि मानता हूं और मैं आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं, मेरा विश्वास है कि ये लोग सदैव ऐसे ही काम करते रहेंगे और इन्होंने जो अपने इस निस्वार्थ सेवा से जो जनता के बीच में एक अपना स्थान बनाया है उसको यथावत रखेंगे और उसको नई ऊंचाइयों पे ही यहां से लेकर जाएंगे।